चर्चा इस बात पे चल रही थी कि जिसकी संतति हो गई, बच्चे बच्ची हो गए, उसका तो उस स्त्री के बारे में तो पूरी जगत को पता चल गया कि वो बांझ नहीं। लेकिन वो जब तक पुत्रादि उत्पन्न नहीं हुए तो वो बांझ है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? बोले वो संतति से उसका कनेक्शन नहीं, संतति होने से बांझ का कनेक्शन नहीं है। संतति नहीं भी हो तो भी बांझ होती है, हो सकती है, बराबर ख्याल में आ रहा? और क्या कहते हैं, संतति एक तो एक ऑप्शन आया ना, और दूसरे नंबर पे क्या कि नहीं हो तो बांझ भी हो सकती है और बांझ बिना भी हो सकती, दोनों बात है, क्योंकि वो शक्ति से जुड़ी है, उसकी उत्पन्न करने की सामर्थ्य। अब हो सके कि भाई सामर्थ्य है लेकिन संतति ना हो, बराबर ना? तो वो स्त्री बांझ नहीं कहते। तो उसी को हमने कहा था कि भविता और अभव्यता का कनेक्शन शक्ति से है, अभिव्यक्ति से नहीं। अभिव्यक्ति मीन्स होना, पुत्र पुत्रादि का होना, शक्ति मतलब पुत्र पुत्रादि की क्षमता का होना, बराबर? अब वो क्षमता जिसके अंदर है वो वैसी है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल गणित है, ख्याल में है कि नहीं है? तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि कौन कहाँ से कैसा बन सकता है। तो बात बड़ी मार्मिक सी आई थी यहाँ पर कि जगत में ऐसे अनेकों भव्य भी होंगे जो जो कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करे। और आज सुबह के व्याख्यान में तो एक बात और एक्स्ट्रा आई आज के कल में कि कई भव्य ऐसे भी होंगे जो निगोद से ही नहीं निकलेंगे, तीन काल में कभी भी वो निगोद से बाहर ही नहीं आई भव्य। अब गजब है, सम्यक दर्शन नहीं मिले तब तक तो चलता था, लेकिन निगोद से ही बाहर नहीं आएंगे। कारण है उसका लॉजिक कि अगर सारे भव्य निगोद से बाहर आ गए तो एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है ना कि निगोद में भव्य बचेगा ही नहीं, जबकि ऐसा है नहीं। एक निगोदिया पूरे, और एक और गजब बात बताऊं आप, एक संसार में निगोद में कितने जीवों की संख्या है कि तीनों कालों के सिद्ध भी एक निगोदिया शरीर के बराबर नहीं होते, तो कितने फिर निगोद में जीव होंगे, उसमें कितने भव्य होंगे, कोई गिनती नहीं है उनकी, ऐसी ये जीव राशि है, बराबर ख्याल में आया कि नहीं है, समझे? तो वो शक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, अभिव्यक्ति मतलब सम्यक दर्शन हो गया तो भव्य थे ही, लेकिन नहीं हुआ तो अभव्य हो कि भव्य हो, ये आप कह नहीं सकते, क्योंकि परिणाम, क्रिया, वचन, वेश, अवस्था, ऐसा कोई भी हेतु नहीं है जिससे एक्यूरेट कहा जा सके कि भाई इससे ये भव्य। अब बताओ, भव्य निगोद से ही नहीं निकला और अभव्य क्या मालूम कहाँ कहाँ तक जाके घूम के आ गया, गृहवेग तक जाके आ गया। भव्य निगोद से नहीं निकला और अभव्य कहाँ तक जाके आ गया, गृहवेग। भव्य निगोद से नहीं निकला और अभव्य देवी ध्वनि सुनकर आ गया। भव्य निगोद से नहीं निकला, अभव्य मुनि बन गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये ऐसे करके, और फिर पुनः पुनः यही बात कि ऐसा आपको विचित्रता दिख रही है तो विचित्रता किस कारण से है? बोले विचित्रता का कोई एक्सटर्नल कारण नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो उसे भव्य या अभव्य बनाए हुए है। भव्यता का एकमात्र कारण है उसके अंदर की शक्ति, और अभव्यता का भी एकमात्र कारण है उसके अंदर की शक्ति, ठीक है? इसीलिए उसे पारिणामिक भाव कहा। अब जरा अपन आगे चलते हैं, और क्या कहते हैं, यहाँ पे चर्चा में आती है अपनी बात कि क्या कहें कि कौन सी बात आ गई थी, काल अपेक्षा चल रही थी ना चर्चा। हाँ तो देखो, काल अपेक्षा अपन चर्चा की विचार करते हैं, तो उसमें ये भव्य की कपड़े वो हो गए थे और अभव्य की बात टेन चेक हो गई। क्वेश्चन 10वां छे नंबर हाँ सॉरी, 10 चेक क्वेश्चन 77
पेज नंबर क्या हो जाए? अच्छा हूँ, डाउन करूँ छू चलिए यहाँ की मील पड़े, अपनी जगह डाउन करूँ छू और दूर जा तो जाए। चलो एमा का क्वेश्चन है 11 नंबर, 10 मार्क करवाना 10 चाहिए। नंबर का। ओके, अब वो प्रश्न यहाँ पर आता है कि भव्य जीवों का मिथ्यात्व का काल अनंत कैसे है। वैसे लगभग लगभग अगर आपको, चलो पढ़ ही ले एक बार, स्किप कर सकते थे अपन, लेकिन वो बात है कि भाई कोई समझ नहीं सकता, लेकिन ऐसा है। पढ़ी, कौन पढ़ेगा आज? हाँ चलो एक सेकंड, हाँ कौन पढ़ने वाला है? खुशी बहन पढ़ो, चलो। ભવ્ય જીવોના મિથ્યાત્વનો કાળ અનંત કેવી રીતે? આગમ અનુસાર આ સંસાર ક્યારેય ભવ્ય જીવોથી રહિત નથી થતો, તેથી અનેક ભવ્ય જીવોની અપેક્ષાએ મિથ્યાત્વનો કાળ અનાદિ અનંત સ્થિત થાય છે. બીજી એક અપેક્ષા આ પણ છે કે દુરાનું દૂર ભવ્ય અભવ્યની સમાન જ હોય છે, તેઓને ક્યારેય મોક્ષ કે મોક્ષ માર્ગ પ્રાપ્ત થતો જ નથી, માટે પણ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનનો કાળ અનાદિ અનંત સ્થિત થાય છે. બરાબર, સરળ છે ને, કે એક ક્યારે દૂરાન દૂર ભવ્ય પણ કેવા છે? અભવ્યની જેમ જ છે, બરાબર? એટલે ભવ્ય હોવા છતાં પણ એની ભવ્યત્વ શક્તિનો પ્રાગટ્ય નહીં થશે, એટલે એની ભવ્યતા વ્યક્ત નહીં થાય, એટલે સમ્યક દર્શન એમને થશે નહીં, બરાબર? જેમ કહેવાય કે ભાઈ એક બાંજ સ્ત્રી હોય ને વિધવા સ્ત્રી હોય, એક બાંજ હોય ને વિધવા હોય, તો બાંજ ને તો પુત્ર થશે નહીં, પણ વિધવા ને પણ પુત્ર થશે, આવું શાસ્ત્રમાં દાખલો છે, બરાબર ને? આગળ વાંચો। અનાદિ શાંત કાળ. એક ભવ્ય જીવની અપેક્ષાએ કાળ અનાદિ શાંત છે. આનો અર્થ કોઈ ભવ્ય જીવ અનાદિથી મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં રહે છે. આ અપેક્ષાથી ભવ્ય જીવના મિથ્યાત્વનો કાળ અનાદિ થઈ ગયો. હવે તે ભવ્ય જીવ જ્યારે પોતાના નિજ શુદ્ધ આત્માનો આશ્રય કરી સમ્યક્ત્વ થાય છે, સમ્યક બી થાય છે, ત્યારે તેના મિથ્યાત્વનો નિશ્ચિત જ નાશ થઈ જાય છે. આ અપેક્ષાથી ભવ્ય જીવના મિથ્યાત્વનો કાળ શાંત થઈ ગયો. આ રીતે એક ભવ્ય જીવનો મિથ્યાત્વનો કાળ અનાદિ શાંત સ્થિત થઈ ગયો. देखो ये सरल सी बात है, एक भव्य की अपेक्षा से, बराबर, ये दो अपेक्षा यहाँ पर आ जाती, एक एक भव्य और एक अनेक भव्य। तो एक भव्य की अपेक्षा, जैसे हम आप सब लोग हैं, इन सब की एक खूबी क्या है कि भाई आज भले ही मिथ्या दृष्टि है, लेकिन हमें कोई मिथ्या दृष्टि रहने में इंटरेस्ट थोड़ी, हम कल समकीति भी हो जाएंगे और पुरुषार्थ भी हमारा पूरा है, मतलब होंगे ही होंगे। तो जो अगर हम समकीति हो गए तो हमारा ये जो काल है मिथ्यात्व का, वो चल तो रहा था अनादि से, लेकिन वो खत्म हो गया, यानी अनादि शांत हो गया। ठीक है, तो एक की अपेक्षा से अनादि शांत हो सकता है, अवभ्य और दूरान दूर भव्य की अपेक्षा शांत काल कितना हो सकता है? अनादि अनंत, सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक कभी, तो अनादि अनंत हुआ, बराबर। सादी शांत किसका होगा? सादी शांत, सादी मिथ्या दृष्टि का, शादी हाँ सादी मिथ्या दृष्टि का, कि जे मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हुआ, कल कल पढ़ा था ना अंतर्मूर्त काल कैसे होगा, कि सम्यक दृष्टि हुआ, सम्यक दृष्टि होने के बाद में फिर से मिथ्या दृष्टि हुआ, और मिथ्या दृष्टि होने के बाद में फिर सम्यक दृष्टि हो गया, तो उसका काल कैसा रहा? सादी शांत। तो तीन अपेक्षा आ गई, अनादि अनंत, अनादि शांत, बराबर, फिर सादी शांत, अनादि अनंत अभव्य की अपेक्षा से, अनादि शांत क्या कहते हैं, आसन्न भव्य की अपेक्षा से, सादी शांत सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से। अच्छा एक बार पूछूं, सादी अनंत किसी को हो सकता है क्या? जैसे अनादि शांत हो सकता है, वैसे सादी अनंत हो सकता है क्या? सर है? सम्यक हाँ, भी तो शिव भगवान साथी ने, है. शिव भगवान सिद्ध भगवान ने, हाँ सिद्ध भगवान ने साधी ना किया। आप थोड़ा समझो जरा उनको, मिथ्या तो गुणस्थान को सिद्ध भगवान ने कैसे आप साधी कह रहे हो? नहीं होगा,
क्योंकि मिथ्या तो हमेशा अनादि से होता है, बराबर। सादि यानी बीच में से मिथ्या दृष्टि हो गया ऐसा नहीं, और जिसका सादि होगा उसका अंत भी होगा। कल में मतलब सादि शांत ही ऑप्शन आएगा, सादि अनंत नहीं है। पॉइंट समझे कि ऐसे, ये करुणानी को थोड़ा ऐसे समझा करो, फिर से समझो इस बात को, गहराई से ख्याल में आया कि नहीं आया। में सादी अनंत और सादी शांत, अनादि अनंत अनादि शांत, तो अनादि अनंत ऑप्शन घटित होगा अभव्य में, अनादि शांत घटित होगा भव्य में, सादी शांत घटित होगा सादी मिथ्या दृष्टि में। मगर सादी अनंत कैसे होगा? क्योंकि जिसे एक बार सम्यक दर्शन हो गया उसका अनंत काल तक तो टिक ही नहीं सकता ना, कंपलसरी उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन में खत्म हो जाएगा। तो सादी के साथ शांत की ही जोड़ी बनती है, अनंत की नहीं बनती। हाँ, भगवान के गुण जो प्रकट होते हैं, जो आप कह रहे थे ना, वो सादी अनंत पना सिद्ध भगवान में मिथ्यात्व की अपेक्षा नहीं है, वो सादी अनंत पना सिद्ध भगवान में केवल ज्ञान की अपेक्षा है, अनंत सुख की अपेक्षा से, कि प्रकट हुआ है अभी रहेगा अनंत काल, मिथ्या गुण स्थान की अपेक्षा से। बात ख्याल में आ रहा जिज्ञासा बेन? बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं? ओके मीना बेन। हम भूली गया क्या मिथ्यात्व गुण स्थान चालू चेतले हाँ, सिद्धो ना बता गुणों आम जी प्रगट था है ना, ये बता सादी अनंत गुणों अनंत, मिथ्या तो गुण स्थान न थी, मिथ्या तो हमने पति दियो छे क्या। ओके चलिए आगे पढ़ते। ये सब पढ़ दो जरा एक बार, विचार तो पक्का हो जाएगा। अनादिशान कार्ड एक भव्य जीवनी अपेक्षा सरावाची लीजो ना हाँ शादी से। सादी सांकार सूक्ष्मता थी विचार करिए तो प्रत्येक पर्याय नो काल एक समय नो जुए छे आ अपेक्षा थी मिथ्यात्व परिणाम समय समय बदला बदलता ज रहे छे आ दृष्टि थी पर्याय अपेक्षा अर्थात सूक्ष्म रुजु सूत्र नयनी अपेक्षाएं मिथ्यात्व परिणाम नो काल एक समय छे माटे मिथ्यात्व परिणाम सादी सांत पण छे गमनागमन अपेक्षा विचार जो इतना गमन ख्याल शब्द में आया, नो एक इसको समझो जरा, कि गंभीरता से देखा जाए तो हर दो दो चीजें बताएं, एक तो हमने मिथ्यात्व की पर्याय ली और एक मिथ्या दृष्टि जीव की अवस्था ली, तो हमने दोनों में लगाया साधी शांत हो सकता है, एक अंतर्मूर से लेकर वो भी हो सकता है, और दूसरे नंबर में एक मिथ्यात्व हो जैसे सम्यक कर्षण या कोई भी पर्याय हो, एक समय से ज्यादा टिकती नहीं, तो सूक्ष्म रज्जु सूत्र नये, जो एक पर्याय कोई ग्रहण करता है वो उसकी अपेक्षा से उसका काल कितना है सादी शांत, बराबर। हर समय की पर्याय नष्ट होती है, नए नए समय में नया नया मिथ्यात्व है, तो हम अनादि के मिथ्यात्व से परेशान हैं कि नए नए मिथ्यात्व से परेशान। देखो जब मिथ्यात्व के बारे में केयरलेस होने लगो तब थोड़ा ऐसा विचार करना, अरे भाई तुम्हें पता है इस मिथ्यात्व का जिसे हमें अभाव करना है वो अनादि से तुम्हें हैरान कर रहा है, तब हम उसे किस रूप में प्रेरित करते हैं अनादि का कहना, और जब अनादि का सुन के हाथ पैर फूलने लगे हिम्मत ही ना हो, अरे भैया अनादि से अब हम नहीं कर पाएंगे, तो अरे काहे का अनादि, हर समय नया नया है, एक समय के मिथ्यात्व से परेशान हो, अनादि का है ही नहीं कुछ, पर्याय टिकती नहीं। कहने का मतलब प्रमादी भी नहीं बनाना और इतने ज्यादा वो भी नहीं बनाना डिप्रेशन जैसे, कि मिथ्यात्व के अभाव का विचार ही छोड़ दो। भैया साचू कहूं तो आपनों काम नथी मिथ्या दर्शन दूर करवाना, आपने तो बस थोड़ी घणी भक्ति करीने छूटा थई जाइए, आज जे मन में आवे ना तो विचार में तमारू काम नथी तो कोनू काम छे, क्योंकि जे जे स्वाध्याय करे आत्मानु विचार करे मिथ्या तो जसे तो एनो जसे ना बीजा कोनो जसे, बराबर। इसलिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए चल, शैली है कोई इसमें आपत्ति नहीं है, जल्दबाजी भी नहीं, दोनों सही बात है। चलो आगे पढ़ते हैं। गमनागमन मतलब फ्रॉम टू टू, कहां से आया है और कहां जा सकता है, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान वाला जीव कहां से आया है
और कहाँ जा सकता है, इस विश्लेषण को एक गमन आगमन से समझे। चलिए, हाँ गमनागमन अपेक्षा विचार। गमन शब्दनो अर्थ छे जवू अने जरूर आगमन शब्दनो अर्थ छे आવું। જીવ એક ગુણસ્થાન થી બીજા ગુણસ્થાનમાં જવા આવવાના અર્થમાં ગમનાગમન શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે। સર્વ બરાબર ગુણસ્થાનમાં ગમનાગમન શબ્દનો અર્થ આમ જ સમજવો જોઈએ। ગમન પેલું મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન વર્તી દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજ જો વધારેમાં વધારે પુરુષાર્થ કરી સીધા ઉપરના ગુણસ્થાનમાં જશે તો તે સાતમા અપ્રમત સંયત ગુણસ્થાનમાં જઈ શકે છે, અર્થાત પહેલી જ વારમાં તે અડધા ગુણસ્થાનોને પાર કરી જાય છે। કારણ કે કુલ મળીને ગુણસ્થાન 14 છે અને તેઓએ તો પ્રથમ વારમાં સાતમું અપ્રમત વિરત ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત કરી લીધું છે। સાદી કે અનાદિ મિથ્યા દ્રષ્ટિ હોવા છતાં પણ જે મિથ્યા દ્રષ્ટિ દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજ હોય તે પોતાના નિજ શુદ્ધ આત્માના આશ્રય કરવાનો વિશિષ્ટ પુરુષાર્થ કરવાથી તથા બાધક કર્મોના ઉદયનો અભાવ થવાથી અપ્રમત સંયત ગુણસ્થાનમાં પ્રવેશ કરે છે। તે સાતિશય પુરુષાર્થ થી મુનિરાજ પ્રથમ સમયમાં તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ હતા અને બીજા સમયમાં મિથ્યાત્વ કર્મ તથા મિથ્યાત્વ પરિણામનો નાશ થવાથી તે જ સમયે તે અનંતાનું બંદી ચતુષ્ટય અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ ચતુષ્ટય અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણ ચતુષ્ટય કર્મોના ઉદયાભાવી ક્ષય થવાથી અર્થાત વિતરાગતા પ્રગટ થવાને લીધે ભાવલંગી મુનિરાજ થઈ જાય છે। હવે તો માત્ર ચારિત્ર મૌનિયમાંથી સંજ્વલન કષાય ચોકડી અને નવ નો કષાય કર્મનો ઉદય તથા તજન્ય પરિણામ જ શેષ રહી ગયા છે। જો ક્રિકેટમાં સામાન્ય રીતે શું હોય, પહેલી બોલ ડક કરે કોઈ હોય તો પહેલી બોલ ઉપર એક રન બનાવે, કોઈ વધારે આક્રમક બેટ્સમેન હોય તો પહેલી બોલ ઉપર ચોકડી મારે, કોઈ એના કરતા વધારે અઘરો હોય સહેવાગની જેમ તો પહેલી વાર ઉપર સિક્સર મારે। પણ આ તો કેવા છે કે પહેલી બોલમાં જ અડધા અડધા રન કરી લે, એટલે ખબર પડી ને, અડધા રન 14 કરવાના હતા એમાં પહેલી બાલમાં જ કેટલા રન કરી લીધા, અડધા રન કરી લીધા, કેવો પુરુષાર્થ। અને જીવ કી પુરુષાર્થ કા એક દૈદીપ્યમાન પ્રમાણ હે કે જીવ ચાહે તો ક્યાં નહીં કર સકતા। કલ તક જિસે આપ મિથ્યા દ્રષ્ટિ કહેતે થે, આજ વો ચોથે ગુણ સ્થાન મેં નહીં, પાંચવે ગુણ સ્થાન મેં નહીં, सीधा कौन से गुणस्थान में है, सातवें गुणस्थान। कल तक पहले में, कल तक तो बहुत लंबा शब्द है, ये एक कल से आज तक आने में कितना टाइम लगता है, लेकिन यहाँ तो कह रहे एक समय पहले, एक से एक समय पहले वो मिथ्या दृष्टि थी, लेकिन अगले ही समय क्या हो गया। ये बहुत रेयरेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन करुणानियोग 0.00001% की पॉसिबिलिटी को भी काउंट करता है। इट मे पॉसिबल हो ही जाता हो ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन हो सकता है ऐसा जरूर। यानी पुरुषार्थ का क्या रूप हो सकता है, अरे विचार तो करो। वर्षों में जो क्या कहते हैं कुदरती प्रवाह होता है ना, धरती कंप आता है तुर्की में आया जैसे, विचार करके देखो 1 सेकंड में क्या से क्या हो गया। तो जैसे वहां पर होता है वैसे यहां पर भी हो सकता है, जैसे विध्वंस में 1 सेकंड लगता है, ये आत्मकल्याण में भी 1 सेकंड में हो सकता है। हाँ बोलो जिज्ञासा, आवाज नहीं आती। गौतम गणधर हता ने जे हाँ हाँ तो बराबर, ए आमा देसे मिथ्या ना दृष्टि ना अग्रहित ना ना, ना। એમના 2 સ્ટેજ પડ્યા, સૌથી પહેલા એ ચોથા ગુણસ્થાનમાં આવ્યા અને માનસ્તંભને જોઈને પે ચોથા ગુણસ્થાનમાં આવ્યા, અને પછી ભગવાનનો મુખ મુદ્રા જોઈને 7મો ગુણસ્થાનમાં આવ્યા। આ પુરુષાર્થ તો એના કરતા ચડિયાત, એમને તો અચ્છા 7મા સુધી ચોથામાં હોલ્ટ લીધું, પણ એ તો સીધા ડાયરેક્ટ પ્લેન ઉપડી મિથ્યાત્વથી સીધા ક્યાં, 7મા। પણ એવું કોઈ સંન્યાસ, ઉદાહરણ હશે ને? આ ઉદાહરણ કોઈ એવું નામ નથી આવતું, પણ શાસ્ત્રોમાં મળી જશે, પણ કોણ અચ્છા હશે
हमारी जेम हुए तो नहीं था, इंद्रभूति गौतम नहीं जेम हुए तो है नहीं था, कौन हो वो जो ये? बोले बाहर थी कंपलसरी द्रव्यलिंगी साधु हो जोइए। अटलो नियम, नियम क्या आया विशेष? बाहर से कैसा होना चाहिए? द्रव्यलिंग द्रव्यलिंगी साधु, द्रव्यलिंगी साधु हो, बहुत काल से साधना कर रहा हो और साधना करते करते काफी प्रयास करता हो, लेकिन इच्छा बहुत है, क्योंकि देखो हमारे आपके जैसा वस्त्रधारी होगा तो कपड़े वालों का गुणस्थान अधिकतम 5 भाग होता है, 7वां नहीं हो सकता, ख्याल में है कि नहीं है? इसीलिए कंपलसरी वो द्रव्यलिंगी साधु होना चाहिए। अब दूसरे नंबर की बात आ रहे, या तो अनादि मिथ्या दृष्टि भी चल सकता है और सादी मिथ्या दृष्टि भी चल सकता है। अनादि मतलब कभी सम्यक दर्शन नहीं पाया हो ऐसा जीव भी हो सकता है, और सम्यक दर्शन पाकर छूट गया हो ऐसा जीव भी हो सकता है, लेकिन शर्त एक है कि बाहर में कौन होना चाहिए? वो द्रव्यलिंगी साधु होना चाहिए, बाहर में नग्न दिगंबर मुद्रा का पालन करने वाला होना चाहिए। हाँ बोलिए खुशी। सर, एक बाजू एम कहेवामां આવે છે કે પેલા સમ્યક પ્રાપ્ત થાય પછી દીક્ષા ધારણ થાય, ને આમાં મિથ્યા દ્રષ્ટિ દ્રવ્યલિંગી સાધુ હોય તો જ ઈ સાતમા ઉપર ડાયરેક્ટ આવે, તો જો બેય બે વસ્તુ વસ્તુનું છે, કે આ અપવાદ કથન છે, રાજમાર્ગનું પહેલો જે કથન છે રાજમાર્ગ છે, ખબર પડી? કામ બંને થી થાય, રાજમાર્ગ થી પણ ધન થાય અને અપવાદ માર્ગ થી પણ ધન થઈ જાય, ઘણા લોકોને થાય ને અચાનક કોણ બનેગા કરોડપતિ, માં કાલ સુધી રખડતો હતો અને પછી નસીબ ચમક્યો તો કરોડપતિ થઈ ગયો, તો એમને એમ બને? બોલે મળી જાય કરોડ રૂપિયા અચાનક મળી જાય લોટરી લાગવાથી, પણ એનો એ મતલબ નથી કે આપણે ધંધો પાણી બંધ કરીને કરોડપતિ માટે અપ્લાય કર કર કરી, ચલો હવે નસીબ ચાલશે ત્યારે, એ અપવાદ ક્યારે ક્યારે? તો આ જે કથન છે અપવાદ છે, બીજા નંબરની વાત, સમ્યક દ્રષ્ટિ હોવું જોઈએ એ વાત સૌથી પહેલી છે, પણ સમ્યક દર્શન થયા પછી છૂટી પણ જાય છે, આ તો બંને કન્ડિશન છે, કે સમ્યક દ્રષ્ટિ થઈ ગયા, વૃત્તિ થઈ ગયા, મહાવૃત્તિ થઈ ગયા, પાછા પરિણામ બગડ્યા તો પાછા અવિરતી થઈ ગયા, અને પાછો પુરુષાર્થ જાગ્યો તો પાછા અપ્રમત્ત સાતમો ગુણ સ્થાન થઈ ગયા, એટલે પરિણામ શેર માર્કેટ સે જ્યાદા વોલેટાઇલ હે, સર, બહુ નાઇન્સાફી છે પરિણામોમાં. પરિણામોમાં નાઇન્સાફી છે, સાચી વાત છે, એટલા માટે ભગવાન કહે છે અપરિણામીને જો, પરિણામ ગુરુદેવ કેમ ના પાડતા હતા? આખો જગત કહે છે પરિણામ પરિણામ પરિણામ, પણ પરિણામ નો જેનો ઠિકાણો જ નથી, તમે એની પાછળ પડ્યા છો, અને જે હાજરા હજુર છે આત્મા એને જોતા નથી, આપણે પર્યાયોનો જ્ઞાન કરવામાં આવે છે, અને પર્યાય સુધરે છે ક્યારે? પર્યાયો સે પાર દેખ લે આપ સ્વયં ભગવાન રે, હે જે પર્યાયો થી પાર જુએ ને એને ભગવત્તા દેખાય, અને એ પછી આગળ જાય, ખબર પડી કે નહીં પડી? સમજા? તો આ વસ્તુ વિચારવા જેવી છે, તો પરિણામને સુધારવાનો ઉપદેશ જે લોકો આપે છે એ લોકો વાસ્તવમાં વસ્તુ વ્યવસ્થાને સમજ્યા નહીં, એમને એમ પરિણામ સુધરતા નથી, દ્રષ્ટિ સુધરે છે તો પરિણામ સુધરી જાય, ભાઈ તો એસે પરિણામ તો સુધારને મેં ભી ટાઈમ નહીં લગતા, और सुधरे हुए तो बिगड़ने में भी टाइम नहीं लगता, विचार करके देखो परिणामों का क्या ठिकाना, किस किस का आप दृष्टांत देख लोगे, हर प्रकार के दृष्टांत मिलेंगे प्रथमाने कि परिणाम सुधर भी गए परिणाम बिगड़ भी गए, एक ही में क्या कहते हैं 11वें गुणस्थान में भी आ गए फिर पहले गुणस्थान में भी आ गए, क्या कर सकते, ठीक है ना? तो ये बात यहाँ पे, तो पहली कंडीशन ख्याल में आई ना, अब आगे पढ़ो। तजन्य नो मीनिंग सुशी तजन्य तजन एना एना थकी, एना थकी तजन्य एना थकी थवा वाला, પછી અહીંયા બે વાત આવી કે એક તો મિથ્યા તો પરિણામ અને બીજો એના સંબંધી કર્મ, મિથ્યા તો પરિણામનો નાશ થયો એટલે પરિણામ મિથ્યા તો જતા રહ્યા, પછી અનંતાનુબંધી અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ એ બધાનો ઉદયાભાવી છે આ શબ્દ આવ્યો, એનો મતલબ શું થયો?
सत्ता से क्षय नहीं हुआ, तभी हुई है, लेकिन उदय के रूप में क्षय, उदय का अभाव है इसीलिए क्षय कह रहे, समझे? ख्याल में आ रहा कि नहीं यार? जैसे अभी अपने लिए बीमारी है कि नहीं है, समझे? बीमारियों का उदयाभावी क्षय, मतलब पड़ी तो है अंदर में लेकिन उदय में नहीं आ रही, तो घूम फिर रहे आराम से। कोई बीमारी हम बाजार से लेने तो जाते नहीं है, सब अंदर में पड़ी हुई है, तो जब उदय में आ जाती है तो परेशान हो जाते हैं। उदया भावी क्षय पड़ा रहता है तो परेशान नहीं होते, काम रूटीन चलता रहता है। ऐसे मुनि राज का है, ये चतुष जो कषाय है ना, अभी क्षय नहीं हुई है लेकिन उदय का अभाव है, तो उदय का अभाव है तो काम चल रहा है बढ़िया। सातवीं गुरुस्थान में चले जाएंगे, आठवीं में चले जाएंगे, नौवीं में भी चले जाएंगे, आगे तक भी चले जाएंगे, बराबर। लेकिन फिर जब उदय में आएगा तो पीछे गिर जाएंगे। तो सर आ उपशम कही सकाया ने आ हाँ, बदा उपशम कही शकाय, कही शकाय, अगर तुम्हें वहां तो क्लियर थी, जैसे बद्दू उपशम न थी, अमुक्ष उपशम कहवाए, तेने सु कहवाए क्षयोपशम, बराबर ना। आगे बाजी। बीजा नंबर पॉइंट। कोई प्रथम गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज मिथ्यात्व तथा त्रण कषाय चोपड़ी नो अभाव न होवा छता पण निज शुद्ध आत्मा ना ध्यान रूप पुरुषार्थ थी आ मिथ्यात्व गुणस्थान थी सीधा पांचमा विरत अविरत गुणस्थान मा पण गमन करी शके। जो इसमें समझो, इसमें समझना चाहिए कि कुछ प्रथम गुणस्थान वाले जो द्रव्यलिंगी मुनियाज हैं, ये द्रव्यलिंगी मुनियाज तो बोला है, लेकिन इसमें एक चीज और समझ लें, द्रव्यलिंगी श्रावक भी हो सकता है। ख्याल में आया? कौन? द्रव्यलिंगी श्रावक भी हो सकता है। जैसे हमने एक शर्त देखी थी कि कौन सातवें गुणस्थान में डायरेक्ट जाएगा, कि जो बाहर में 28 मूल गुण का पालन करता हो, ऐसे ही कौन पांचवें गुणस्थान में डायरेक्ट जाएगा, बोले जो 11 प्रतिमाओं में से किसी एक प्रतिमा का बाहर से पालन करता हो, अनुभव नहीं है उसको, वो द्रव्यलिंगी श्रावक था। देखो, द्रव्यलिंगी श्रावक यानी बाहर में प्रतिमा पाल रहा है, बाहर में व्रत पाल रहा है, अंदर में अनुभव नहीं है, लेकिन अनुभव की इच्छा बहुत है, तो अनुभव के लिए बार बार प्रयास करता है। और ऐसे में कई बार ऐसा हो कि जो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनियास था, अथवा मिथ्या दृष्टि गृहस्थ था, या द्रव्यलिंगी शावक था, वो सीधा पहले से पांचवी में चला है, एक साथ दो कसाय चौकड़ी का भाव। ये ख्याल में आया? सेम है पहले के जैसा ही, जैसे पहले के बारे में बताया था वैसे यहां पर है। अंतर कितना आया कि वहां पे साधु होना चाहिए, यहाँ पे व्रती साधक, बाहर से व्रती, ठीक है, बराबर ख्याल में है। ये अभी पुरुषार्थ किसका भाई साहब? आप बाहर की क्रिया कर करके कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो हो जाए, और यहाँ ये कह रहे हैं कि अंदर का पुरुषार्थ जगा तो जो अनुभव के बिना बाहर की क्रिया कोई फल वाली नहीं थी, और जैसे ही अनुभव आया वो आपको सातवें गुणस्थान में ले गए, वो आपको पांचवें गुणस्थान में ले गए, मतलब पुरुषार्थ कैसा हो सकता, बराबर? समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़ो। ये नीचे वाला ऑप्शन भी कोई उसी का अथवा है, उसी का है। कोई हाँ हाँ, सेम अथवा कोई वस्तु, खरीदी वाचो 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 वाचो। कोई प्रथम गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी तीजो मुनिराज पॉइंट, वन तीजो पॉइंट। हाँ अथवा कोई द्रव्यलिंगी श्रावक प्रथम गुणस्थान थी शुद्ध आत्मा ना अवलंबन ना बल थी सीधा पांचवा वीरता वीरत गुणस्थानवर्ती थई जाय छे। बराबर, चौथो वाच। कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज द्रव्यलिंगी श्रावक अथवा अव्रती भद्र मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व गुणस्थान थी अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान में जी शके। ये बड़ा सरल है, तीन कंडीशन है कि भाई कोई भी हो, पहले गुणस्थान वाला भद्र मिथ्या दृष्टि हो, पहले गुणस्थान वाला द्रव्यलिंगी श्रावक हो, पहले गुणस्थान वाला द्रव्यलिंगी मुनि, तीनों में से कोई भी बाहर में सब व्यवस्थित करता हो, अंदर में पुरुषार्थ जगे, तो सीधा चौथा मां जा सकता है।
ख्याल में विचारणीय बात वहां पर इतनी सी है, एक थोड़ी सी, कि कई बार बाहर की क्रिया का विरोध करते करते हम ये भूल जाते हैं कि भाई आत्मानुभवन की अनुकूल परिस्थिति कब तैयार। माना कि भाई क्रिया से कुछ नहीं होता, ये भी सही बात है, 100% सही बात है, लेकिन अनुकूल परिस्थिति आप विचार करके देखो वो कैसे तैयार होगी। बोले यथा योग्य, जो अगर आप समय सम्यक्वाचरण सदाचरण ये करोगे तो ऐसे ही पुरुषार्थ सैकड़ों बार होगा, जिस पुरुषार्थ में से कई एक बार आपका नसीब चमकेगा, पुरुषार्थ चमकेगा, तो आप चौथे में, पांचवें में, सातवें में, जिस भूमिका में हो उस भूमिका में जाए। तो हमेशा फेवरेबल कंडीशन में रहना चाहिए। क्या बोला? कि जिस चीज से आपको निकटता से वो प्राप्त हो सकती हो वहां। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार होता है ना कोई चीज दुकान खुलनी हो और बहुत शॉर्टेज हो उस चीज की, तो लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब कोई कह रहे साहब दुकान तो खुली नहीं हो, लाइन में खड़े रहने का क्या मतलब है? बोले अगर हम लाइन में यहां नहीं खड़े होंगे तो पीछे वाले हमसे आगे चले जाएंगे, और हमसे आगे चले जाएंगे और वो चीज तो शॉर्ट है, वो चीज हमें मिले बिना खत्म। तो हम तो लाइन में आगे इसलिए खड़े हैं कि भले अभी नहीं मिल रही, लेकिन जब भी मिलना चालू हो और मिले तो सबसे पहले मुझे। सही है कि नहीं? ज्ञानी भी यही कहता है कि भैया अभी ये शुभ क्रिया से तो आत्मा मिलती नहीं है, तो आप ये शुभ क्रियाओं को आगे लाला के क्यों खड़े कर रहे हो? तो ज्ञानी कहता है कि देखो, सुविचार, शुभ क्रिया, सदाचरण, शुद्धाचरण, बोले अगर हम इसे आगे नहीं करेंगे तो पापाचरण, पाप क्रिया, पाप विचार कूद करके आगे आ जाए, और आत्मानुभव उनको तो प्राप्त होता नहीं। तो वो जो काल पका और अंदर की तैयारी ना हो तो वो चीज व्यर्थ हो जाती। इसीलिए हम तो ये चाहते हैं कि जैसे ही वो आत्मानुभव ऐसी तैयारी हो कि वो काल पके और सबसे पहले उसका लाभ हमें। इसीलिए कभी भी इस बात को समझना, सम्यक तो भले ही शुभ क्रिया से नहीं होता, बाहर की चीजों से नहीं होता, लेकिन आत्म कल्याण के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी है उनमें हमें रहना चाहिए। दुर्भाग्य से हम आत्म कल्याण की बात कर रहे हैं, लेकिन आत्म कल्याण के लिए जो सहायक तो बहुत दूर की बात रही, न्यूट्रल भी बहुत दूर की बात रही, बाधक चीजें हैं वो कर रहे हैं। एटलीस्ट अगर आत्म कल्याण के साधक आचरण ना करो तो बाधा ना पड़े ऐसा आचरण तो करो। ये बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? दो कदम आगे बढ़ ना सको तो एक कदम पीछे तो ना हटो, ऐसा तो काम करो। नहीं कर सकते क्या हम ऐसा? करना चाहिए ना। हाँ, ये बात को थोड़ा विचारिएगा कि हम एक एक आज से नक्की करो कि भाई चलो ठीक है, साधना में जितने आगे बढ़ पाएंगे उतने तो अच्छी बात है ही, लेकिन कम से कम बाधक कारण तो हम अपने जीवन में नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर हमें सम्यक दर्शन भी पाना हो तो पहले वाला भी पा रहा है, चौथे वाला भी पा, वो क्या कहते हैं, पांचवें गुण स्थान के योग्य आचरण करने वाला भी पा रहा है, सातवें गुण स्थान के योग्य भी पा रहा है। मतलब विचार करके देखो, प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? पापों में लगा हुआ उसकी ज्यादा है कि धर्माचरण में लगा हुआ उसकी ज्यादा है? उपदेश तो उसी वे में दिया जाएगा ना। ये विचार हमेशा चलना चाहिए। वो मुमुक्षु को अगर ये विचार मन में आ गया कि ऐना थी तो कहीं थतो न थी, तो जे मन फावे करो, ये समझो उसी दिन उसने आत्मकल्याण की पात्रता खो दी। अब उसे कभी नहीं हुआ। बोले साहब हमने तो शुभ क्रियाओं को छोड़ा है, शुभ क्रिया तो वो शुभ क्रिया को छोड़ा नहीं, तूने शुद्धत्व के की दृष्टि को छोड़ा है, तूने पाप की तरफ मुंह कर लिया है। हाँ बोलो। आता मैं हमणा जी की द्वेमा थी जे भव्य होई अभव्य थई जाय एवं ना थाय ना ना, एवं तो कहीं ना एमा ना थाय एमा कई फंडामेंटल चेंज थतो नथी, बराबर? आ तो मेकअप नी वात चाले, बाकी जे छे ए तो छे ज छे। ओके, क्लियर था ना? तो ये चीज नक्की करके चलना चाहिए। आगे पढ़ते हैं।
फिफ्थ नंबर का पॉइंट, कोई आदि सॉरी कोई शादी। साधी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज द्रव्यलिंगी श्रावक अथवा भद्र मिथ्या दृष्टि होए। गमनागमन चाले थे ना, तो बच्चे गमन करा भी दो उसे, तो वो रह के तोते मिथ्यात्व गमनागमन गुण में वो स्थान रहना चाले थे। तोते मिथ्यात्व गुण स्थान थी त्रीजा मिश्र गुण स्थान में प्रवेश करी सके छे। आ एक नई कंडीशन, तीसरे गुणस्थान में, पहले से तीसरे में, ये बहुत रेयर होती है, क्योंकि इसके लिए अनिवार्य शर्त है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय। थोड़ा समझो, सम्यक दृष्टि जी, जब पहली बार, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक मिथ्यात्व एक अखंड है, और जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ तो ये मिथ्यात्व तीन टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, एक मिथ्यात्व, सम्यक दर्शन हुआ, ये मिथ्या तीन टुकड़ों में डिवाइड हो गया, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्या प्रकृति और मिथ्यात्व। अब उसमें जब मिथ्यात्व का उदय आया तो जीव का गुणस्थान पहला, सम्यक प्रकृति का उदय आया तो जीव का गुणस्थान चौथा, लेकिन मिथ्यात्व का भी उदय नहीं आया, सम्यक प्रकृति का भी उदय नहीं आया, साधी मिथ्या दृष्टि जीव था और उसे सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया। बराबर, खुशी में वो टेंशन में आ भी गया, टेंशन में आ गया, उदय आ गया, परिधि जिज्ञासा में ख्याल में आवे है, परिधि ध्यान समझो, मिथ्या तो अखंड था, सम्यक दर्शन हुआ तो तीन टुकड़े हो गए, इतना क्लियर हुआ। अब वो तीनों का कॉन्सिक्वेंस अलग अलग होता है, मिथ्या तो तीन टुकड़ों में डिवाइड हो गया, अब अगर मिथ्या तो ही उदय में आया तो गुणस्थान कौन सा रहेगा, चौथा। सम्यक प्रकृति उदय में आई, सॉरी, मिथ्या तो उदय में आया तो गुणस्थान रहेगा पहला, और सम्यक प्रकृति उदय में आई तो गुणस्थान हो जाएगा चौथा। दो क्लियर हुए। अब तीसरा टुकड़ा उदय में आया, बोले हम भी कभी कभी तो आ जाते, बोले तीसरा अगर उदय में आया यानी सम्यक मिथ्या प्रकृति का उदय आया तो वो जीव फर्स्ट टू थर्ड जा सकता पहले चौथा मां गया वगर ना, पहला चौथा माँ गयो हसे त्यारे तो त्रण कटका थे, चौथा थी पाछो पहला माँ आवी गयो, अने पहला थी पाछो तीजा माँ, अच्छा वाया वाया, डायरेक्ट तीजा माँ ना जाए, डायरेक्ट तीजा माँ तो साधी मिथ्या अनादि तो जाई शकतो नथी, केम कि एने तो कर्म ज नथी, केम कि एने तो एक ज मिथ्या तो उदय छे ना, ये तो तीन टुकड़े जिनके हो गए उनके लिए बात। बराबर, तीन टुकड़े हो गए उनके लिए बात, ठीक है। थोड़ा आगे, प्रश्न आपे ત્રીજા ગુણસ્થાન માં પ્રવેશ કરવા વાળા માટે સાધી મિથ્યા દ્રષ્ટિ આ વિશેષણ શા માટે લગાડ્યું? એ તમારો શું કોઈ પ્રશ્ન, અનાદિ મિથ્યા દ્રષ્ટિ ત્રીજા ગુણસ્થાન માં પ્રવેશ નહીં કરે? અનાદિ મિથ્યા દ્રષ્ટિ પાસે સમ્યક મિથ્યાત્વ દર્શન મોહ કર્મની સત્તા જ નથી, તેથી તે ત્રીજા ગુણસ્થાન માં પ્રવેશ નથી કરી શકતો. સમ્યત્વની ઉત્પત્તિ થી પ્રથમ સમયમાં મિથ્યાત્વના ત્રણ ટુકડા થવાનો નિયમ છે. બરાબર ક્લિયર હો ગયા ના, યે જો મેને બાત અભી આપકો કી થી, બહોત બહોત બઢિયા, આગે બઢિયા। મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન થી કોઈ જીવ સાતમા માં, કોઈ પાંચમા માં, કોઈ ચોથા માં અથવા કોઈ ત્રીજા માં ત્રીજા ગુણસ્થાન માં ગમન કરે છે, એવો ભેદ કેમ કેવી રીતે થાય છે? પ્રત્યેક જીવની પોતપોતાની પાત્રતા ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. ત્રિકાળી શુદ્ધાત્માનો આશ્રય કરવારૂપ પુરુષાર્થ પણ વધઘટ વધતો ઓછો હોય છે. ઉદયમાં આવવા વાળા કર્મ પણ ભિન્ન ભિન્ન જ હોય છે. ભવિતવ્ય પણ સ્વતંત્ર હોય છે. કોઈ જીવ કોઈ બીજા જીવના ઉદ્ગલાદિના અથવા ભગવાનને પણ આધીન નથી, માટે તેના ગુણસ્થાનમાં ગમનરૂપ કાર્ય પણ સ્વતંત્ર રીતે પર્યાયગત યોગ્યતા અનુસાર થતું રહે છે. એક જ સંવસરણમાં દેવ મનુષ્ય તિર્યંશ ત્રણેય ગતિના જીવ એક જ તીર્થંકર ભગવાનનો ઉપદેશ શ્રવણ કરે છે, છતાંય તે શ્રોતાઓમાં પણ તેમની પોતપોતાની પાત્રતા અનુસાર જ તે મહાવ્રત કે અણુવ્રતને ગ્રહણ કરે છે. સમ્ય દર્શનની પ્રાપ્તિ કરે છે અથવા ત્રીજા ગુણસ્થાનને પાત્ર બને છે કે અંતરંગમાં તત્વનો વિરોધ કરે છે. આથી પ્રત્યેક દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાયની સ્વતંત્રતા સ્થિત થાય છે. ચલો, ઇતના સમજ મેં આયા, ઇસમે તો બડી સરળ સી બાત આઈ હે,
कैंसर क्यों होता है, कलर डिजाइन के नीचे अलग अलग कलर डिजाइन का पुरुषार्थ क्यों हो रहा है, एक कलर एक एक डाई में सब आना चाहिए ना, सबके अलग अलग क्यों हो रहा है। तो बताया कि देखो अब इसमें हम क्या कर सकते, सबकी रुचि अलग है, सबका पुरुषार्थ अलग अलग है, बराबर। उपादान निमित्त से तो कुछ वैसे होता नहीं है, उपादान के बिना काम कैसे चलेगा, तो वो सब बातों से यहाँ पे लग। और एग्जाम्पल भी दिया कि एक समोसरण में कितने लोग बैठते, सबका परिणमन अलग अलग हो रहा कि नहीं हो, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं बराबर, उनमें कुछ वीडियो ऑन करके बैठे, कुछ वीडियो बंद करके बैठे, कुछ ध्यान से सुन रहे, कोई नहीं सुन रहे, कोई पता नहीं कहाँ है कैसे है, सबका अलग अलग परिणमन है कि नहीं, कैसे है, ऐसे यहाँ पर है बराबर। तो जिसका जैसा पुरुषार्थ है सब अपनी अपनी भूमिका अनुसार पुरुषार्थ वहां पे करते। अब द्रविलिंगी मुनिराज के कितने भेद है वो समझते हैं। जनरली हमें ऐसा लगता है कि द्रविलिंगी मुनिराज मतलब पहले गुण स्थान वाले ही होते हैं, ये सही नहीं है। चौथे गुण स्थान वाले भी द्रविलिंगी होते हैं, पांचवें गुण स्थान वाले भी द्रविलिंगी होते हैं। मुनिराज की बात करें, श्रावक की बात नहीं कर, बाहर में मुनि हो मतलब द्रविलिंग क्या है और भावलिंग क्या है, बड़े सिंपल भाषा में कहूं, बाहर का और अंतरंग का कनेक्शन सेम हो तो भावलिंग, और वो गड़बड़ हो तो द्रविलिंग, नहीं ये बात ख्याल में, समझे कि समझे। पुलिस की वर्दी पुलिस ने पहने तो पुलिस का द्रविलिंग भी है भावलिंग भी, और पुलिस की वर्दी वेदांश पहन ले तो द्रविलिंग है भावलिंग कुछ नहीं, तो भले सब गन लेके चौथे में मैं सातवां में के विरुद्ध भावलिंग क्यों द्रव्य लिंग हुए। क्यों क्यों तीस सातवें गुण स्थान के योग्य भावलिंग पना नहीं, आचरण है छठे सातवें गुण स्थान के योग्य, दशा है चौथे गुण स्थान के योग्य, सब स्टैंडर्ड सही क्यों ना। जेवी भूमिका होए, जेवो आचरण होए, अंदरनी दशापन एवी तो कहवाए भावनी बराबर। अब इसको ऐसे समझो, बड़ी सरल भाषा में कहो तो बोले साहब बचपना अच्छा है कि बुरा, बोले बचपन में बचपना अच्छा है और पचपन में बचपना बुरा है, सरल सी बात है कि नहीं। तो बचपना अच्छा, बचपन की दशा और बचपना तो अच्छा है बढ़िया, उसका भावलिंग वाला बचपना बराबर, और कोई पचपन वाला हो और बचपना लेके बैठा है तो द्रविलिंग का पचपना, उसका अंदर से तो क्या है बचपन, समझे कि नहीं समझे ख्याल में। तो ये चीज यहाँ पे कही, बचपन और पचपन जो जिस दशा में योग्य होता है, आप कल्पना करके देखो, एक एक बालक है बालक, और पैदा होते ही उसकी 32 दांत आ जाए, पैदा होते ही वो खड़खड़ाहट इंग्लिश बोलने लगे, पैदा होते ही वो दौड़ने लगे, तो आप उसे भूत का बच्चा कहोगे, इंसान का बच्चा नहीं, ये कौन राक्षस आ गया, पूरे दांत है दौड़ता है, अरे 2-4 साल बाद दौड़ेगा कि अभी दौड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है, नहीं, फर्क पड़ता है, यही बात है यहाँ पे, दौड़ना दांत होना भूमिका अनुसार ही हो तो कहलाए भावलिंग, और भूमिका के ना हो, भूमिका हो गई और ना हो तो कहलाएगा, ठीक है समझे कि नहीं समझे। तो छठे सातवें गुण स्थान के योग्य आचरण हो तो अंदर में तीन कसाय चौकड़ी की अंदर की भूमिका हो तो कहलाया भावलिंग, दो कसाय चौकड़ी की है तो भी द्रविलिंग, एक कसाय चौकड़ी की दशा है तो भी द्रविलिंग, और चार चार कसाय चौकड़ी का उदय है तो भी द्रविलिंग ही कहलाता है, ठीक है बढ़िया। द्रव्यलिंगी मुनिराज ने मुख्यपणे ત્રણ ભેદ છે મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનવર્તી દ્રવ્યલિંગી ચતુર્થ ગુણસ્થાનવર્તી દ્રવ્યલિંગી તથા પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી દ્રવ્યલિંગી પહેલા ચોથા અને પાંચમા ગુણસ્થાનવર્તીને દ્રવ્યલિંગી કહે છે તેને માટે ધવલા પુસ્તક 4 પાના નંબર 208 પર સ્પષ્ટ ખુલાસો આવ્યો છે તેનું અવલોકન કરો તેનું સંક્ષેપમાં કથન આ પ્રમાણે છે સમાધાન આ કોઈ દોષ નથી કારણ કે છતાંય નવગ્રહવકોમાં દ્રવ્યલિંગી મિથ્યા દ્રષ્ટિ અસહ્ય સમ્યક દ્રષ્ટિ અને સંયતા સહ્ય જીવ ઉત્પન્ન થાય છે આ વિશે ત્રિલોક સાર ગાથા 545 માં પણ આવેલ છે ત્યાં દ્રવ્યલિંગીને નિર્ગ્રંથ શબ્દ દ્વારા સંબોધેલ છે
हावपाहुर गाथा 22 માં 105 शुलक श्री सहजानंद जी वर्णीय प्रवचनों में प्रथम गुणस्थानी पांचमा गुणस्थान सुधीना पांच ही गुणस्थानों में द्रव्यलिंगी मुनिपणा स्वीकार करेल। सासादन और मिश्र गुणस्थान वर्ती ने पण द्रव्यलिंगी मुनिराज कही शकिए छे, परंतु आ बने गुणस्थानों नो काल घणो थोड़ो होवाने लीधे द्रव्यलिंगीओ में तेओने मुख्यताथी लेवामां नथी आव्यो। छठा गुणस्थान वर्ती ने जे द्रव्यलिंग होय छे તે દ્રવ્યલિંગ ભાવલિંગી સંગાથે હોય છે, તેથી તેમને શાસ્ત્રમાં દ્રવ્યલિંગીની સંજ્ઞા નથી અપાઈ, કારણ કે તે દ્રવ્યલિંગ ભાવલિંગીની સાથે સુમેળ વાળું છે। વાસ્તવિક રીતે વિચારીએ તો 14મા ગુણસ્થાનના અંતિમ સમય સુધી દ્રવ્યલિંગ રહે છે। जो अब समझते हैं जरा इन सब चीजों को। एक तो पहले कॉमन फैक्टर, बहुत सारे शास्त्रों के रेफरेंस दिए, धवला का रेफरेंस दिया, फिर लोकसार का रेफरेंस दिया और एक वर्णी जी के, ठुलक वर्णी जी के रचा। इन सब का सार ये है कि पहले से पांचवें गुणस्थान तक द्रव्यलिंगी होता है। तो आपने शुरू में तीन क्यों गिनाए, चौथे पांचवें और पहले वाला, बोले दूसरे तीसरे में भी होता है मगर उसका काल बहुत छूटा है तो कंसिडर नहीं किया। ठीक है, समझ में आया। अब द्रव्यलिंग के भी दो रूप होते हैं। एक द्रव्यलिंग मतलब बाहर का आचरण और एक द्रव्यलिंग मतलब बाहर के साथ भीतर का सुमेल वाला आचरण। तो ऐसा नहीं है कि सातवें गुणस्थान भावलिंगी, भाव मतलब जो भावों से व्यक्त हो वो भावलिंग, और जहां मात्र भाव नहीं द्रव्य ही है यानी बाहर की वेशभूषा है वो कहलाता है द्रव्यलिंग। ठीक है, अब ये दो द्रव्यलिंग अलग अलग प्रकार के हो गए। एक क्या कहलाता है, बाहर का चिन्ह, और एक मात्र बाहर का चिन्ह अंदर कुछ। तो जो अंदर में भावलिंगी हो वो बाहर में द्रव्यलिंगी नहीं होता है, ऐसा नहीं। श्वेतांबर में ऐसा मानते हैं, लेकिन आपको पता है श्वेतांबर में ऐसा कहते हैं कि अंदर में भावलिंग हो तो बाहर में द्रव्यलिंग की जरूरत नहीं, इसलिए उनके यहां गृहस्थ में मुक्ति मानी, उनको स्त्री से मुक्ति मानी, उनने अन्य दर्शनों में मुक्ति मानी। ये लाइन ख्याल में आ रही, क्यों? क्योंकि उनके यहां पे क्या बोला जाता है कि अंदर में भावलिंग हो बाहर में द्रव्यलिंग की जरूरत नहीं, इसलिए भरत को घर में मोक्ष हो गया, मरुदेवी को घर में मोक्ष हो गया, बराबर। और भी बहुत सारे दृष्टांत है, करकंडू मुनि को घर में मोक्ष हो गया, अन्य तीर्थों में मोक्ष मान लिया, स्त्रियों को मोक्ष मान लिया, क्योंकि बाहर में अनिवार्य नहीं। दिगंबर परंपरा क्या कहती है कि जिनको बाहर में है उनको अंदर में है या नहीं है उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जिनको अंदर में है उनको बाहर में अनिवार्य रूप से। ऐसा कभी नहीं होगा कि अंदर में तो तीन कसाई चौकड़ी का अभाव हो जाए और बाहर में कपड़े रह जाए। समझे कि नहीं समझे? ऐसा कभी नहीं होता कि अंदर में फूल खिल जाए और खुशबू ना आए। ऐसा कभी नहीं होता कि हाथ अग्नि में जाए और ना जले। ऐसे अंदर में भी तीन कसाई चौकड़ी का अभाव हो जाए और बाहर में दिगंबर ना हो, ऐसा कभी होता नहीं। यानी दिगंबर परंपरा में जो यथार्थ द्रविलिंग है वो भावलिंग का अनुसरण करते ही करता है। बात समझ में आई? तो अगर द्रविलिंग का मतलब मात्र द्रविलिंग है तो तीन प्रकार से होता है, लेकिन अगर द्रविलिंग का मतलब बाहरी देश है, दिगंबर अवस्था है, तो दिगंबर अवस्था साथ में इसकी क्या बात करते हो, जब तक शरीर रहेगा तब तक चलेगी। तीर्थंकर भगवान जैसे होते ना, है कैसे कि भाई मतलब कभी वस्त्र को छोड़ते तो कब तक के लिए छोड़ते, बोले तो जब तक सिद्धत्व को ना पाए तब तक के लिए छोड़ते। तो तब तक कौन सी दशा में रहे, नग्न दिगंबर दशा। पॉइंट समझ में आया? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप द्रव्यलिंग को दिगंबर दशा के साथ जोड़ते हो तो कहां तक चलती है वो, 13वें 14वें गुणस्थान तक। जब दिगंबर दशा को, द्रविलिंग को आप मात्र वेश से जोड़ते हो तो चौथे पांचवे और पहले में रहते, और जिस समय आप दिगंबर द्रविलिंग को क्या कहते हैं इससे जोड़ते हो तब वो भावलिंग के इंक्लूड हो जाता,
भावलिंगी में दोनों चीजें जाती, भावलिंगी भावलिंगी तो है ही, द्रव्यलिंगी भी, लेकिन द्रव्यलिंगी द्रव्यलिंगी है और भावलिंगी भी है, ऐसा नहीं। पॉइंट समझ में आया? फिर से क्या बोला? भावलिंगी भावलिंगी तो है ही, द्रव्यलिंगी भी अनिवार्य रूप से, लेकिन द्रव्यलिंगी द्रव्यलिंगी तो है लेकिन भावलिंगी का कोई नियम नहीं, हो भी सकता है और नहीं। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? तो सर सातमा थी तेरमा सुधी जो गुणस्थान मा द्रव्यलिंगी जो कीधु छेल्ला सेंटेंस मा ई हाँ, वेश दिगंबरत्व देश ना दिगंबरत्व अपेक्षा। हो एने कारण थी, बाकी और कोई कॉम्बिनेशन ना पॉइंट ऑफ व्यू थी न कहता, क्योंकि जब भावलिंगी थई गया तो पछी अंदरमा द्रव्यलिंगी तो हसे ज एम समझीने चाल। ठीक छे, बराबर। ये दिगंबर श्वेतांबर के बीच में जो मेन डिफरेंस है, उनमें से एक ये डिफरेंस कि वो लोग भावलिंग को और द्रव्यलिंग को अनिवार्य कनेक्ट नहीं मानते, और अपने यहाँ पे भावलिंग को और द्रव्यलिंग को अनिवार्य रूप से क्या माना जाता है? कनेक्ट माना जाता है। द्रव्यलिंग का भावलिंग के साथ कनेक्शन नहीं है, लेकिन भावलिंग का द्रव्यलिंग के साथ कनेक्शन। अब एक और बात बताओ, पहले द्रव्यलिंग ही होगा कि पहले भावलिंग? है बोल रहे थे सर पेला द्रव्यलिंगी જ થાય છે ભલે થોડો ફરક પડે પણ ભાવલિંગી પેલા નથી થતો દ્રવ્યલિંગી પેલા થાય છે બહુ સરસ, કે દ્રવ્યલિંગી બહારથી પહેલા થવાય પછી પ્રયાસ કરે તો જ એ દ્રવ્યલિંગની દશામાં ભાવલિંગ પ્રગટ થાય, ક્યોંકિ એસા કભી નહીં બન સકતા કે અબ આપ વિચાર કરકે દેખો કે હમ પહેલે કપડે કપડે પહેને પહેને અંદર સે ભાવલિંગી હો ગયે, આપ બોલે અબ ચલો અબ દ્રવ્યલિંગ ધારણ કરો, તો ફિર પ્રશ્ન વો હી આયેગા કે અગર એક બાર કપડો કે સાથ મેં સાતવા ગુણસ્થાન હો સકતા હે તો બાર બાર ક્યો? एक बार हो गया तो फिर आगे में क्या दिक्कत है? फिर तो वो श्वेतांबर पद की बात सही हो जाएगी कि वो झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया, लड़ते लड़ते केवल ज्ञान हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो एक बार भी पहले द्रव्यलिंग की तैयारी होती है, बराबर, लेकिन भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग द्रव्यलिंग ही कहलाता है, भावलिंग नहीं कहलाता। और द्रव्यलिंग की तैयारी होती है उसी समय अंदर का पुरुषार्थ जगता है, तो वही द्रव्यलिंग फिर क्या हो जाता है? भावलिंग कहलाता है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? समझे कि नहीं? ये लगभग वैसे ही है कि जैसे एक नोट होता है ना, नोट वो गवर्नर के साइन के बिना नोट नहीं कहलाएगा, लेकिन गवर्नर का साइन कब होगा? हवा में तो नहीं होगा ना, पहले नोट बनकर आएगा ना तो गवर्नर का साइन। ऐसे कर दो साहब, साइन कर दो फिर हम उसे नोट में लगा देंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। पहले आपको उसी स्ट्रक्चर का क्या लाना पड़ेगा? नोट लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद गवर्नर साइन करेगा, और फिर उस गवर्नर के साइन के बाद वो कागज का टुकड़ा 2,000 रुपए का नोट बन जाएगा। तो वो टुकड़े ने नोट बनाया, वो कागज के टुकड़े को नोट किसने बनाया? एक साइन। ऐसे बाहर के द्रव्यलिंग को भावलिंग किसने बनाया? अंदर के पुरुषार्थ। लेकिन अंदर का पुरुषार्थ हुआ कैसे? बोले बाहर का एक स्ट्रक्चर था तो अंदर का पुरुषार्थ हुआ। 5 के नोट को 500 का नहीं बनाया जा सकता, 500 के नोट को ही 500 का बनाना, यानी कि द्रव्यलिंग 5वें गुणस्थान का है तो भावलिंग 7वें का कर दो। बोले नहीं, 5वें का द्रव्यलिंग है तो अधिकतम क्या प्रकट होगा? 5वां गुणस्थान। 6ठे 7वें की होगी भाव द्रव्यलिंग है तो अधिकतम क्या प्रकट होगा? 6ठा। ऐसा तो टाइम पीरियड के हिसाब से द्रव्यलिंग पहले होता है, भावलिंग बाद में, लेकिन यथार्थ अपेक्षा से पहले भावलिंग हो जाता है, बाद में वो द्रव्यलिंग वो आपका भावलिंग नाम पाता है। ठीक है, बराबर समझे? विशेष चर्चा पर अगली क्लास।